कितने दिन हो गए दिनेश, अब तो सारे पैसे भी खत्म हो चले हैं। ये खेल कब तक चलेगा? जब तक हम चाहें तब तक। क्यों, जिंदगी का मजा नहीं आ रहा है क्या? विदाउट टिकट आखिर शादी कब करोगे? मुझे बहुत डर लगता है, हमारा कल क्या होगा? ये कल का चक्कर छोड़ो, मैं पूरी स्पीड से काम ढूंढ रहा हूँ। बस नौकरी मिली और फट से शादी। मेरी प्यारी दुल्हनिया, बहलाओ मत। तुम क्या काम ढूंढ रहे हो मुझे ये भी नहीं पता। कल को ये गेस्ट हाउस वाला भी धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। फिर अब इतने बड़े दिल्ली शहर में ये उम्मीद तो नहीं? कई जगह बात चला रखी है काम की। यू डोंट वरी। बस इतना कह देने से सारी वरी तो नहीं खत्म हो जाती? कुछ करो, नहीं तो फिर दिल्ली से बाहर लेकर चलो मुझे। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। इतनी बोल्ड लड़की होकर इतना घबराती हो? हाय डैड। ओ सन, तुमको हमारा याद आ गया? हाँ डैड। लुक सन, हम तुम्हारा डैड है, हम तुमको अच्छी तरह जानता है। तुमको हमारा नहीं हमारा पर्स का याद आया, क्यों? एक्चुअली डैड, तुम इतना दिन किधर था? हमको एक फोन भी नहीं किया। डैड मैं एक बहुत जरूरी काम में फंसा हुआ था डैड। ओ तुम जाओ, जूली को बोलो हम थोड़ा देर में आता है। यस सर। हाँ भी बोलो, तुम इतना दिन कौन सा काम में बिजी था? अब क्या बताऊं डैड? समझ गया, कोई लड़की का चक्कर? यू आर ग्रेट डैड। हम इतना बड़ा बिजनेस आंख कान बंद करके खड़ा नहीं किया। एनीवे आप तो तुम फ्री है ना? अभी नहीं, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ डैड। लुकसान, तुम किधर खेलता खाता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं। बट मैरिज इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अभी तुम्हारा खेलने खाने का देना है, तुम बच्चा है अभी, मैरिज में इतना जल्दी नहीं करने का। इसीलिए तो आपको बताने आया था डैड। ओह दैट्स लाइक अ वेरी गुड सन। कौन है वो लड़की? बड़े ऊंचे खानदान की है, यू विल लाइक हर। रियली? किधर रखा तुमने उसको? सनीडेल गेस्ट हाउस में। पहले तुम एक काम करो, उसको गेस्ट हाउस से निकाल के अपना फ्लैट में लेके जाओ। गेस्ट हाउस में लफड़ा होने का चक्कर है, फिर एक दिन हमारे पास लेकर आओ मिलने के लिए। हम भी देखना मांगता है वो कौन सा लड़की है जो हमारा बेटा को पसंद आया। वो तो ठीक है डैड, लेकिन अब आए ना रास्ते पे। आप तो जानते हैं डैड। हम फिर बोलता है, मौज मस्ती तो ठीक है लेकिन अभी शादी के लफड़े में नहीं पड़ना। जैसा आप कहिए डैड। लुक सर, हम तुमको कितनी बार बोला कि तुमको अभी हमारा बिजनेस में मदद करना मांगता। हम सोचा था तुम आएगा, हमारा बिजनेस और बढ़ाएगा। अभी अकेला होने की वजह से सतीश ने हमारा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। That's very bad, Dad. Yeah, that's very bad. लेकिन अभी अपने हार नहीं माना है हमने। पहले हमारी बात पे सोचो, पहले काम फिर मैरिज। Okay, Dad. डैड कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? ओके, नांगिया को बोलो देगा। थैंक यू डैड। नमस्ते अंकल। अयो वणक्कम। आइए आइए। पांडुरंग तू खूब खुश रहे, सौभाग्यवती। यू सी अन्न तो सबका वेल विशर। मनु ने स्टेश का बिजनेस ज्वाइन करने को मना किया, अच्छा किया। लेक्चरर बनेगा, मैं बहुत खुश हैप्पी। पर चाचा जी, बड़े भैया बिल्कुल अकेले पड़ गए। घर का कोई आदमी हाथ बटाता है तो हिम्मत बंधी रहती है। यू आर करेक्ट माई चाइल्ड। बिजनेस में आदमी टाट से रहता, मगर कॉलेज में सैलरी कितना? मनु बड़े घर का बेटा। मनीष का अपना एम्बिशन है पढ़ाने का, साइंस का, फर्स्ट क्लास MSc। बिजनेस में क्या करेंगे, लेकिन इस समय भैया को मनु की ज्यादा जरूरत है, ये मैं मानती हूँ। हम भी तो यही बोलता। काय को आज का टाइम में पैसा इज लाइफ। सतीश के पास पैसा ही पैसा, मगर मनु टेक किया। कॉलेज का लेक्चरर का बहुत इज्जत होता, खूब रिस्पेक्ट मिलता। अरे
क्या बातें हो रही हैं अंकल के साथ? कुछ खास नहीं, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अनंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो, सब पता आएगा। यू आर माई सन। अनंकल, बड़े भैया का कहीं कोई सीक्रेट अफेयर तो? ऐसा कुछ नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अंकल, अभी आपने कहा आई एम योर सन, प्लीज प्लीज बताइए ना। मेरे को कैसा मालूम होगा? जो आदमी चलता फिरता अखबार हो उसे ना मालूम हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या बोला, अखबार है? अंकल, इससे पहले कि शुभी चाय लेके आए, मुझे बताइए ये राज क्या है? हमको अंकल, कौन है वो लड़की? पांडुरंगा अन्ना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तेरे को कैसे मालूम है सतीश का एक चौकरी के साथ लफड़ा चलता? अंकल प्लीज, उसी के बारे में मुझे बताइए। देखो, मेरा मन बहुत दुखी, तेरे सामने गंदा बात बोलना ठीक नहीं। अगर कब तक छुपेगा, बच्चे के दूध पे मक्खी बैठता बुरा लगता। एक भले घर के लड़के पर बदनामी का लेबल लगाता प्रेरणा। प्रेरणा? ये प्रेरणा कौन है? जीवा, पैसा का भूखे चीप चौकरी, सतीश से लाखों रुपया लिया, उसको दारू पिलाती, घर से दूर रखती। अंकल, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं? अयो माई साना, मेरे को काय को डांटता? देखा, तूने पूछा, मैंने बताया, हमारा तो सबका मेले बिचार है। अच्छा, अब हम चलता, मेरे को बहुत काम बड़कम। अरे अन्ना अंकल चले गए। शुभी, सांप ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रुकता। जहर उगला क्या? तुम जो कह रही थी वो सच है। मनु, बड़े भैया पर कोई कीचड़ उछाले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना होगा। मैं बहुत दुखी हूं शुभी, अपने खून में कांच की किरचें चुभ रही हैं, लेकिन मैं उनसे क्या कह सकता हूं, वो बहुत बड़े हैं मुझसे। मनीष, बुराइयों में उम्र नहीं देखी जाती, चरित्र पर लगे दाग मिटाने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है। बड़ी भाभी के सुख को लौटाने के लिए मैंने संकल्प लिया है। मनु, उस लड़की का नाम क्या है? प्रेरणा, प्रेरणा नाम है उसका। ऐसी हर लड़की एक मीठा जहर होती है शुभी, वो भैया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। शुभी, तुम्हारे संकल्प में मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हम जरूर बड़े भैया को लौटा लाएंगे। मैं उस लड़की से जरूर मिलूंगी। कौन? वड़कम डिक्की साहब, माई सेल्फ रामस्वामी अन्ना नैया। कौन अन्ना? एंड हाउ डू यू नो मी? काय को, दिल्ली में अन्ना सबको जानता, टॉप मैन से लेके पीएम, आई मीन पोस्ट मैन तक, इधर हम तेरा भलाई के वास्ते आया। भलाई? पर तुम हो कौन? सतीश का चाचा, अभी पूछेगा सतीश कौन। ओह, सतीश, दैट रास्कल। बोलो क्या कहना चाहते हो? अरे काय को, हम तो सबका वेल विशर, यू पुअर यंग मैन, कितने बरस बाद इधर इंडिया लौटा, इधर आके देखा तेरा बर्ड किसी दूसरे के पिंजरे में। पांडुरंगा, बहुत खराब बात। प्रेरणा के बारे में बात कर रहे हो ना? मालूम है मुझे। पांडुरंगा, तेरे को कुछ नहीं मालूम, तू तो बहुत बोला लड़का, इतने बरस बाद इंडिया लौटा, इधर क्या का क्या हो गया तेरे को नहीं मालूम। तेरा वाइफ बहुत बीमार, कहीं से पैसा लेके उसके इलाज का इंतजाम करता, मैं चलता। इलाज के लिए पैसा मैं देता हूँ, ये लो। और सुनो, प्रेरणा के बारे में जो भी मालूम है मुझे सब बताओ। तू मजबूर करता
को मैं बताता, तेरे को बहुत रो नहाता, तेरे जैसा फेदपुल लवर का कचरा किया। सतीश उसको बहुत पैसा दिया और वो चौकरी उसको दारू पिला पिला के रात रात भर अपने साथ रखा, अपना जवानी उसको दिया और वो सतीश उसका लफड़ा किया। अन्ना रैश नहीं वाने का, रैश नहीं वाने का, चंदन का कसम अन्ना कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे को क्या मिलेगा माई सन? हाँ, उसके खत मुझे बराबर मिलते रहे जिसमें वो प्यार और मेरे इंतजार की दुहाई देती रही। इंडिया लौटकर हमारी शादी होनी थी, यहाँ आकर मुझे दूसरे लोगों से सतीश के बारे में पता चला। वो बोली कि सतीश मुझे सिर्फ बिजनेस में हेल्प कर रहा है। हेल्प माय फुट? अभी क्या है कि वो दोनों पैरों को मिलकर दूध का मक्खी माफी का क्लास करने का प्लान बनाया। मेरे को बहुत रोना आता, माय माय टिक्की चाय क्या करेगा? नफरत के तूफान की हदें नहीं होती अन्ना, उसने मेरे सपने तोड़े हैं। मैं इंडिया सिर्फ दो चीजें लेकर लौटा हूं, एक प्रेरणा के लिए प्यार और दूसरा ये रिवॉल्वर। इधर नहीं उधर है सतीश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जाता, मेरे को बहुत काम है, मेरा बीवी बीमार है। जी मैं सतीश जी के छोटे भाई मनीष की पत्नी हूँ। ओह शुभी, अंदर आओ अंदर आओ। अभी तो मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई भी नहीं दी है। क्या देंगी आप, जो कहोगी? अगर दिल इतना ही बड़ा है और मुंह में जुबान सच्ची है तो सिर्फ मेरे बड़े भैया की जिंदगी से हट जाइए। तो मैं कौन सा रास्ते में पत्थर बनी हुई हूँ? ये तो आप भी जानती हैं और मैं भी। आधी आधी रात तक उन्हें शराब के नशे में डुबाए रखती हैं, उन्हें घर से बेघर कर दिया, उनसे वो लम्हे छीन लिए जो एक बाप अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ बांटता है। असल में कमजोरी तो उस औरत में है जो सतीश की बीवी है, क्योंकि वो ही उसे बांध कर नहीं रख सकती, और तुम्हारे जैसी औरत उसकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठा रही है। अब फायदा और नुकसान तो मैंने तुमसे नहीं सीखना है, बेहतर होगा आप अपनी हद में रहें। हदों को पार तो आपने किया है प्रेरणा जी, औरत की मर्यादा की हर हद को तुमने तोड़ा है। देखो अभी वक्त है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। Now that's enough. समझाना है तो सतीश को समझाओ। सुनो मिस प्रेरणा, तुम्हें तो मिस कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। माना कि अपने जिस्म के जादू से तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो, लेकिन मेरे घर में ये खेल अब और नहीं होगा। तुम्हें बड़े भैया को छोड़ना होगा। बहुत हमदर्दी हो गई है सतीश से। देखो मेरा कोई भाई भाई है नहीं, और मैं इस यूजलेस सेंटिमेंटलिज्म में बिलीव नहीं करती। भाई तो मेरा भी कोई नहीं है प्रेरणा जी, हम लोग पत्थर पर जल चढ़ाकर उसे भगवान मान लेते हैं। भैया तो जीते जागते इंसान है। मैंने तय कर लिया है कि बड़े भैया को घर वापस लौटा कर ही लाऊंगी। ब्रेव गर्ल, कितने लाख दे सकती हो? लाख के तो मैं सिफर भी नहीं लगा सकती। तो फिर सौदा करने किस दम पर निकली हो? मैंने सोचा था कि चाहे तुम कितना बड़ा बिजनेस चलाती हो तो आखिर औरत, लेकिन यहाँ आकर पता चला
तुम तो एक घटिया दुकान चलाती हो। शुभी, डोंट शाउट। अब मेरी एक आखिरी बात सुन लो, जितनी जल्दी हो सके भैया को छोड़ दो। तो क्या तुम मुझे धमकी देने आई हो? धमकी तो ताकतवर लोग देते हैं, कमजोर लोग सिर्फ कर गुजरते हैं। तुमने कहा था ना मेरी मुंह दिखाई अभी तक बाकी है, तो अगर तुमने भैया का दामन नहीं छोड़ा तो अपनी मुंह दिखाई मैं अपने ढंग से वसूल लूंगी। अच्छा, मैं भी तो सुनूं। कैसे? ऐसे कि इस शहर के लोग और पुलिस वाले तो तुम्हें देख सकेंगे, लेकिन तुम किसी का चेहरा नहीं देख पाओगी। हेलो, कौन? इस्माइल भाई, आप? जी नहीं, अभी तो मैं आपका पैसा इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। हर शाम को मैं आपको 20 लाख रुपए कैसे दे सकती हूँ? नहीं नहीं इस्माइल भाई, प्लीज आज शाम को नहीं, प्लीज इस्माइल भाई। नहीं प्लीज इस्माइल भाई, आज मत आइए। हेलो हेलो, जॉन लोबो बोलता है बेबी, कैसा है? ओह, मुंह से नहीं बोलेगी। एनीवे, इतना याद रखना, दिस वे और दैट वे, लोबो शाम को आता है। स्माइल तो अपनी बात का पक्का है। क्या करोगी प्रेरणा? कौन सहारा देगा? सतीश तुमसे छिन गया, इस्माइल भाई बात का पक्का है। जाने क्या कर गुजरेगा।